नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यू निकाल लेंगे चैनल में स्वागत है। डियर, तो जैसा हम लोग फ्रेम सेट में कॉलम को ड्रा किए थे, आइए हम लोग फ्रेम सेट में रो को ड्रा करते हैं। सब कुछ हमारा सेम वही स्टेप होगा, बस यहाँ पे हमको डियर क्या करना है, कॉलम की जगह पे रो डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया डियर, रो को डिफाइन कर लिया। क्या रो डिफाइन कर लिया हमने, यहाँ पे रोज को डिफाइन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे कॉलम था वहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर लिया, रो डिफाइन कर लिया। ठीक है, बाकी सेम हमारा पूरा कोडिंग उसी तरीके से होगी जैसा मैं आपको अभी करके दिखाया था। तो ये हमारा यहाँ पे देखिएगा डियर, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे फाइल को। हम लोग सेम कोडिंग वही करेंगे कॉलम फॉर्मेट में, जहाँ कॉलम है वहाँ पे आपका रो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको सेव एज में चलेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नेम दे देंगे, रवि से हमने यहाँ पे राहुल दे दिया, राहुल डॉट एच टी एम एल की फाइल हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो आज हम लोग रो और कॉलम को फ्रेम सेट में डिफाइन करना सीख गए हैं। तो देखते हैं डियर इसका आउटपुट कैसे मिलता है। जैसे इसको हम लोग रन कराते हैं, हमारे देखिए वेब पेज में आपका कॉलम फॉर्मेट देखिए सामने आपका आ गया। अभी तक कॉलम था, अब हमारा देखिएगा ये हमारा क्या है, रो फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। ओके, चलिए इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमने कॉलम फ्रेम सेट बना लिया और क्या बना लिया, रो फ्रेम सेट बना लिया। ठीक है।